फ्रेंड्स वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिजन कोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी आई निकत परवीन खान ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी वॉन्ट टू विश ईच वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी सो उम्मीदों से भरा एक और नया साल दो हज़ार बीस उसने हमारी दहलीज पार कर दी है और एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं ये समझती हूँ कि आप सब यही चाहेंगे आप सबकी यही ख्वाहिश होगी कि ये आने वाला साल आपकी उम्मीदों को आपकी करियर को आपके जॉब को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए अगले महीने जो होने वाले सी जी पी एस प्रॉब्लम्स के एग्ज़ाम्स हैं ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपके सामने खड़ी हुई है सो दुगनी मेहनत के साथ पिछले साल की कामयाबियों से इंस्पिरेशन लेके और नाकामयाबियों से सबक ले करके जस्ट पुल अप योर सॉक्स विद अ पॉजिटिव अप्रोच and just nail it. With that positive note, let us start today's session of Polity FTR with the question number नंबर वन so question number नंबर one, one आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा Exit poll तथा उसके परिणामों के संबंध में निम्न में से किस धारा के अंतर्गत आते हैं ठीक मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जिट पोल के रूल से रिलेटेड है और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं कुछ लेजिसलेशन दिए हैं सेक्शन 126, ट्वेंटी सिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसी का सेक्शन 126 ए 127 ए और ऑप्शन डी है आपका सेक्शन 171 सेवेंटी वन एच ऑफ इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता क्या होगा इसका आंसर देट इस लाइक पहले आंसर ले लेते हैं फिर हम एक्सप्लेनेशन लेंगे व्हाट विल बी द आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 126 ट्वेंटी सिक्स ए ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये चुनाव की प्रक्रियाओं में जो भी नियमावलियाँ होती हैं जो रूल रेगुलेशन होते हैं उससे जुड़े एक लेजिस्लेशन के ऊपर है दरअसल आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव के समय बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाता है और एक्चुअली मैं कहूँ पालन करवाता उन्हें मैनेज करता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ में इसी चुनाव से जुड़े बहुत सारे रूल रेगुलेशन दिए गए हैं इसका जो सेक्शन वन है वो ख़ासतौर पर इस तरफ इंडिकेट करता है कि जब चुनाव जिस दिन होने वाले हैं उससे पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए क्या क्या चीज़ें एग्जिस्टेंस में चाहिए जैसे कि आपने सुना होगा कि जिस दिन भी इलेक्शन हो रहा है उससे अड़तालीस घंटे पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है ये सेक्शन वन में दिया गया है और इसी में वन ए में ये दिया गया है कि जो एग्ज़िट पोल्स होते हैं एग्ज़िट पोल्स आप सभी जानते हैं कि मीडिया में चुनाव से जुड़े रुझानों के बारे में एक चीज़ बताई जाती है कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं किसको कम जो भी पोलिंग हुई है उसका एक तरह का सर्वे होता है एग्ज़िट पोल ठीक है तो एग्ज़िट पोल से संबंधित 126 ए सेक्शन में ये दिया गया है कि जिस तारीख को जिस आर यानी जिस घंटे पर चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं उस आर में कोई एग्ज़िट पोल के रिजल्ट्स नहीं आएंगे चुनाव कई फेजेस में होता है तो जो फर्स्ट फेज़ का आर है मतलब जो घंटा है फ़र्स्ट फ़ेज़ का उसमें कुछ भी एग्ज़िट पोल के नतीजे मीडिया पब्लिश नहीं कर सकती है और उस चुनाव का जो अंतिम फ़ेज़ या अंतिम चरण होगा लास्ट फ़ेज़ होगा उसके खत्म हो जाने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल के कोई भी रिजल्ट डिसेमिनेट नहीं किए जा सकते वट एम आई टेलिंग वन ट्वेंटी सिक्स ए जो हमने इसका आंसर लिया है वो उसके मुताबिक जिस टाइम पर चुनाव हो रहा है उस आर के एक घंटे पहले एग्जिट पोल के कोई नतीजे नहीं आ सकते यानी उस घंटे उस आर में एग्जिट पोल के रिजल्ट डेसिमिनेट नहीं किए जा सकते फर्स्ट फेज़ में और जो लास्ट फेज या अंतिम चरण है उसके ख़त्म हो जाने के आधे घंटे बाद तक एग्ज़िट पोल के नतीजे नहीं दिखाए जा सकते उसके बाद दिखाए जा सकते हैं तो देखिए पूरा का पूरा जो एक्ट है ये चुनाव की नियमावलियों से संबंधित है और इसमें वन ट्वेंटी सिक्स जो है बिल्कुल जब चुनाव होने वाले हैं उस टाइम जो रूल रेगुलेशन फ़ॉलो करवाए जाते हैं उससे संबंधित हैं तो डू रिमेंबर 126 48 घंटे पहले कैंपेनिंग बंद हो जाए इससे संबंधित है और 126 ए जो है वो एग्ज़िट पोल के ऊपर लगी पाबंदियों से संबंधित है इस वजह से इसका आंसर होगा बी सेक्शन 126 ए 1951 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है इन करेक्ट स्टेटमेंट भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को किया गया संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है और उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु तो राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी आवश्यक नहीं होती दीज आर द फोर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट जो भी गलत है जो असत्य है फॉल्स है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है वट विल बी द आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु तो राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी आवश्यक नहीं होती है ठीक है प्रेसिडेंट फुल अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड ये फॉल्स स्टेटमेंट है रेस्ट फ्री आर करेक्ट रेस्ट फ्री करेक्ट कैसे हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनाग्रेशन अट्ठाईस जनवरी उन्नीस को हुआ था अब इनमें से कई लोगों को लग रहा होगा ये गलत दिया हुआ है क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो उन्नीस के अधिनियम से ही आया है तो देखिए हम सभी जानते हैं कि सन उन्नीस के अधिनियम से भारत में जो दिल्ली का न्यायालय है वो अस्तित्व में आया था केंद्रीय न्यायालय के तौर पर पर उसका नाम उस वक्त संघीय न्यायालय था फेडरल कोर्ट था ठीक है 1935 में जो दिल्ली का कोर्ट बना था केंद्रीय कोर्ट के तौर पर उसका नाम संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट था उसके बाद ये हुआ कि आज़ादी तक के हमने उस कोर्ट का नाम संघीय न्यायालय ही रखा संविधान लागू हो जाने के बाद संविधान जब लागू हो गया 1950 26 छब्बीस जनवरी को तो 28 जनवरी 1950 को उसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया तो आप ये जो सर्वोच्च न्यायालय कहेंगे दिल्ली का इसकी डेट 28 एट ऑफ जनवरी 1950 ही होगी ठीक है तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद इसमें ये दिया है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु कुछ भी उल्लेखित नहीं है ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है क्वेश्चन भी इस पर बना था कि मैक्सिमम रिटायरमेंट एज उल्लेखित है कि वो पैंसठ वर्ष होगी पर न्यूनतम एज इस पद पर पहुंचने के लिए उल्लेखित नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है थर्ड है द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही जो आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसके अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी जज एज अ चीफ जस्टिस एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि एडहॉक जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति की जो पूर्ण मंजूरी है वो जरूरत जरूरी नहीं होती ये स्टेटमेंट गलत है तो देखिए जो तदर्थ न्यायाधीश होता है जो एडहॉक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का ये तब नियुक्त किया जाता है जब कोरम की कमी होती है कोरम समझते हैं आप गणपूर्ति किसी भी सेशन ऑफ कोर्ट के लिए किसी भी ऐसी जजमेंट के लिए जब बेंच बैठी हुई है मान लीजिए उस वक्त कोरम की पूर्ति नहीं होती है उतने जज जितने रिक्वायर्ड है उतने नहीं आते हैं और आपको कुछ अतिरिक्त जजेस की ज़रूरत पड़ती है तो जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर होता है कि टेम्प्रेरी यानी अस्थाई रूप से किसी हाई कोर्ट के जज को वो एडहॉक जज के रूप में नियुक्त कर दे ठीक है तदर्थ जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है कौन करता है नियुक्त चीफ जस्टिस करता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे करता है हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करता है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए इसे हमने एडहॉक कहा है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले तो वो जज जो हाई कोर्ट का जिसे सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर टेम्प्रेरी रूप से नियुक्त किया जा रहा है वो जज जिस हाई कोर्ट का है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो उसके कंसल्टेशन से ही वहाँ के किसी जज को नियुक्त किया जा सकता है एडहॉक के तौर पर दूसरी चीज़ ये जिस जज को आप नियुक्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर उस जज के पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सारी बेसिक क्वालिफिकेशन जो संविधान में मैंशनड है वो होनी चाहिए आई वोंट बी रिपीटिंग ऑन द क्वालिफिकेशन एक बार उसे पढ़ आप जरूर लीजिएगा पहले कुछ मैंने लेक्चर्स में रिपीट किया है इसे ठीक है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन से हरता हैं वो उस व्यक्ति में होना चाहिए जिसे एडहॉक जज के तौर, तौर, तौर पर नियुक्त किया जा रहा है ठीक है तो एक तो हाई कोर्ट जो कंसर्न है जिसके जज को आप नियुक्त कर रहे हैं उसके चीफ जस्टिस से पूछना पड़ेगा उसे दूसरा जिसे आप नियुक्त कर रहे हैं उसके पास वो ज़रूरी आहताएँ या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसे राष्ट्रपति से पूर्ण अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी यानी एडहॉक जज के तौर पर जब ये लाता है किसी को चीफ जस्टिस तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है तभी वो इंसान एडॉक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है सो so, जो स्टेटमेंट फोर है वो कहता है ना प्रेसिडेंट्स फुल अप्रूवल इज नॉट नेसेसरी ये गलत है प्रेसिडेंट का फुल अप्रूवल नेसेसरी होता है इस वजह से ये ऑप्शन डी इन करेक्ट स्टेटमेंट है एंड दैट इज द आंसर इज दैट वेरी क्लियर ओके नाउ लेट इज मूव ऑन क्विकली टू द क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्न में से मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा तथ्य असत्य है यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से संबंधित है असत्य कथन कौन सा है बताएं तो पहला है मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने की परामर्श दे सकता है दूसरा है मुख्यमंत्री अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है तीसरा है मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह राज्य का प्रमुख प्रबंधक होता है चीफ मिनिस्टर के पावर्स ड्यूटीज फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है कि ये स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है क्या होगा यस yes, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री इंटरस्टेट काउंसिल जो होती है उसका अध्यक्ष होता है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये गलत क्यों है उस पर बाद में आएंगे पहले तीन को हम देख लेते हैं जो करेक्ट है देखिए मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है ये बिल्कुल सही है देखो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है मेजोरिटी पार्टी जो भी होगी विधानसभा में उसका लीडर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर द्वारा और मुख्यमंत्री फिर अपना मंत्रिमंडल चुनता है तो मुख्यमंत्री के कहने पर ही जो गवर्नर होता है सभी मंत्रियों को शपथ दिलाता है उन सभी की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही होती है तो जब उनमें से किसी मंत्री को बर्खास्त करना होता है तो ये इसका भी परामर्श मुख्यमंत्री ही देता है गवर्नर जब भी किसी को अपने पद से हटाएगा किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री को तो तब चीफ मिनिस्टर के कहने पर ही वो ऐसा करेगा बिकॉज वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जो उसने अपॉइंट किया है वो इसके कहने पर ही बनाई है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है थर्ड वाला मुख्यमंत्री राज्य सरकार प्रमुख प्रवक्ता होता है बिल्कुल सही ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन राज्य सरकार की जो भी नीतियाँ होती है वो पब्लिक ग्राउंड पर वही सबके सामने रखता है अब मैं ऑफिशियल पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन यहाँ चीफ स्पोक्स पर्सन वही होता है चौथा है ही इज द चीफ मैनेजर ऑफ द स्टेट एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये बात नेशनल इमरजेंसी की हो रही है राष्ट्रपति शासन की नहीं हो रही क्योंकि राष्ट्रपति शासन में तो राज्य में सरकार होती ही नहीं अस्तित्व में ही नहीं रहती या तो बन नहीं पाती है या तो बर्खास्त हो जाती है यहाँ बोल रहा है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जब भी इमरजेंसी लगी रहती पूरे देश में तो राज्य की सरकारें अस्तित्व में रहती हैं उस समय राजनीतिक लेवल पर राज्य का जो मुख्य प्रबंधक होता है जो केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य में लागू कर रहा होता है वो चीफ मिनिस्टर ही होता है ठीक है भले ही वो सेंट्रल के कहने पर काम कर रहा होता है उस वक्त जितनी स्वायत्ता सेंट्रल ने दी स्टेट लेवल पर वो करेगा बट मेनली अगर वो पॉलिटिकल लेवल पर आप देखो कि राज्य स्तर पर कौन एडमिनिस्टर कर रहा है तो मुख्यमंत्री है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है ठीक तो ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर टू जिसको हमने आंसर लिया है ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी कुछ वीडियोस में देखा है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा है कि इसका जो हेड होता है इसका जो चेयरमैन होता है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है ना कि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इसलिए दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर इज एप्स्यूटली रॉन्ग एंड देर द करेक्ट आंसर टू इज ऑप्शन बी ठीक है लेट इज़ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इनमें से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता ये क्वेश्चन सीधा सीधा आप देख सकते हैं मौलिक अधिकारों से है फंडामेंटल राइट्स से है और फंडामेंटल राइट right का आर्टिकल 19 से क्वेश्चन रिलेटेड है उसके परव्यू में इनमें से कौन से तरह का अधिकार नहीं आता है निजता का अधिकार शांति का अधिकार फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार या व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता बहुत इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से क्वेश्चन तो आए हो आप सबने इसका आंसर दे ही दिया होगा क्या होगा आंसर यस yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निजता का अधिकार राइट टू प्रिवेसी देखिए आप सभी जानते हैं द क्वेश्चन इज फ्रॉम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पहला तो है आर्टिकल 19 फिर दूसरे पे मैं बाद में आती हूँ आर्टिकल 19 में छः तरह की स्वतंत्रताएं दी गई मौलिक अधिकारों में और उसमें से जो 19 वन है है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके अंतर्गत ये जो बाकी के तीन हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप को जिस भी तरीके से अभिव्यक्त करना चाहे वो अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं कि शांति का अधिकार है मतलब अगर आप मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार है तो आपको साइलेंस रहने के मतलब शांत रहने का भी अधिकार है ठीक है तो यहाँ पे राइट टू रिमेन साइलेंस है वो एक्चुअली ठीक है उसके अलावा फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार ठीक ये भी इसी के अंदर आएगा आर्टिकल नाइनटीन वन के अंदर ही आएगा व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजिंग ये भी इसी के अंदर ही आएगा ठीक है तो ये अलग अलग तरीके हैं जो नाइ आर्टिकल 19 को अलग अलग टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्याएं दी हैं या इंटरप्रटेशन्स दिए हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें और आती हैं जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन्स या रैलियाँ निकालने का राइट टू मीडिया ये सब इसी के अंतर्गत आएगा आप इसकी व्याख्याओं को एक बार ज़रूर देख लीजिए अनुच्छेद उन्नीस के खास तौर पर उन्नीस एक की व्याख्याओं को इसमें जो हमने आंसर लिया है वो है ऑप्शन ए राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक्चुअली में आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद इक्कीस में है उसमें निजता के अधिकार को पहले भी एक्सप्लिसिटली लिया जाता था ये मैं कहूँ इंप्लिसिट था पहले सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए इसे अपहेल्ड किया या मैं कहीं इसे माना कि हाँ निश्ता निश्ता का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ठीक है तो राइट टू प्राइवेसी वैसे भी इंप्लिसिटली पहले आर्टिकल 21 में दिया जाता था लेकिन 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के बाद इसे हम मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखते हैं तो ये 19 के अंदर नहीं है ये इक्कीस के अंदर है ठीक इज दैट वेरी क्लियर ठीक है मौलिक अधिकार है बहुत ही बेसिक पार्ट है इसलिए मैं इसको और डिटेल में नहीं जा रही हूं ठीक आर्टिकल ट्वेंटी वन में आएगा ये, उन्नीस में नहीं आएगा इसलिए आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए ठीक नो लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फाइव सो क्वेश्चन नंबर फाइव है राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है अब वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कौन पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए ऑप्शन हैं विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति राज्यपाल या विधानसभा का उपाध्यक्ष ठीक स्पीकर प्रेसिडेंट गवर्नर डिप्टी स्पीकर विधानमंडल से संबंधित क्वेश्चन है बताइए क्या होगा इसका आंसर यस yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन मतलब so, सी गवर्नर मतलब कि राज्यपाल सो गवर्नर के टॉपिक से ये क्वेश्चन है राज्य के विधानमंडल का जो प्रमुख जो एक हिस्सा होता है गवर्नर उसे क्वेश्चन है और उस पर ये पूछा गया है जो डिस्कालीफिकेशन्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स होते हैं यानी एमएलए की जो निर्भरताएँ होती हैं उनसे संबंधित अंतिम निर्णय कौन लेता है तो जहाँ डिसक्वालिफ़िकेशन्स का मेंशन है वहाँ पर ये मेंशन है कि फाइनल डिसीजन जो होता है उस राज्य का राज्यपाल ही लेता है एक्सेप्ट इफ़ द डिसक्फिकेशन इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल निषेध कानून होता है उससे संबंधित जो अंतिम फैसला होता है वो जो स्पीकर होता है हाउस का जो अध्यक्ष होता है वो लेता है उस एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर हम छोड़ दें उसके अलावा कोई विधायक जिन भी तरीकों से निर्ता मतलब जो डिसक्वालीफाई है वो घोषित किया जा सकता है तो फाइनल उसका डिसीजन जो है वो गवर्नर ही लेगा बहुत सारे तरीके हैं डिस्कॉलीफिकेशन के ठीक है उसे मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी आप इतना समझ लें फिलहाल कि एंटी डिफेक्शन लॉ को छोड़कर एंटी डिफेक्शन लॉ जिसका निर्णय स्पीकर लेता है उसे छोड़ करके बाकी विधायकों की जितनी भी डिस्कवालिफिकेशन का निर्णय है वो राज्य का गवर्नर ही लेता है जैसे कि मान लीजिए वो किसी और सभा के मेंबर्स बन गए अब जानते हैं ना सिंगल मेंबरशिप है यहाँ पे डबल मेंबरशिप नहीं होती है कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा सदन का मेंबर नहीं बन सकता वरना न हो जाएगा या मान लीजिए वो मेंटली अनसाउंड हो जाता है वो पागल हो जाता है वो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है वो अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है विधायकों की निर्भरताओं की पूरी सूची होती है आप उसे एक बार रीड कर लीजिए और इनमें से किसी भी चीज़ में वो लिप्त पाए गए तो अंतिम निर्णय गवर्नर लेगा वो इस क्वेश्चन में पूछा है ठीक तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल वेरी इजी क्वेश्चंस ठीक है नए साल में थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रही हूँ हमने सारे टफ पार्ट पहले ही डील कर चुके हैं क्वेश्चंस मिक्स बैग रहेंगे अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो भले डायरेक्ट हैं पर वो पार्ट डार्क है ठीक है जैसे कुछ क्वेश्चन आपने जैसे क्वेश्चन नंबर वन भी देखा था वो भले ही एक लाइन का क्वेश्चन था बट डार्क एरिया से था आपने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा ठीक है एनालिटिकल क्वेश्चन डार्क एरिया से उतने नहीं रहते ऐसे टाइप हमेशा याद रखना जो अवलोकन वाले क्वेश्चन होते हैं ना एनालिसिस वाले क्वेश्चन जिसमें आपके पाँच सात स्टेटमेंट दे देता है और बताता है एक दो तीन सही है कि दो तीन चार सही हैं आप हमेशा उसको देखिएगा वो कभी ऐसे टॉपिक से नहीं रहते हैं जो लोग नहीं पढ़ते वो पढ़े हुए टॉपिक से रहते हैं और वो इतने ऑप्शंस इसलिए देता है ताकि वो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपने वो टॉपिक जो कि एक जनरल टॉपिक है जिसको हर कोई पढ़ रहा है आपने उसे डिटेल में पढ़ा है कि नहीं वो ये जानना चाह रहा है ठीक है तो जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं वो हमेशा आपके ईजी टॉपिक uh, से रहते हैं और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना वो थोड़े से आपके टफ़ टॉपिक से रहते हैं क्योंकि उसकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उस क्वेश्चन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन हम सेलेक्ट ऐसे भी कर रहे हैं जो स्टेटमेंट एनालिसिस तो नहीं है पर हाँ वो जो टॉपिक है वो उतना पॉपुलर नहीं है ठीक है तो टफनेस दोनों ही तरीके से है या तो एनालिसिस वाला क्वेश्चन रहेगा तो वो बैकग्राउंड इजी रहेगा पर कोड्स टफ रहेंगे और अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा तो वो टॉपिक जो होगा वो उतना प्रसिद्ध टॉपिक नहीं होगा ठीक है तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन टफ़ हो सकता है ठीक नो लेट इज़ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स सो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स और उसमें लिखा है यदि किसी राज्य में संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया है और यदि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपको कुछ दिए हुए हैं और आपको उन स्टेटमेंट्स में बताना है कि क्या ऑप्शन सही है द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विल बी वैलिड यानी कि मान्य रहेंगे वे लॉस द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विल बिकम इनवैलिड वैलिड इन्हें अमान्य हो जाएंगे फिर संसद द्वारा बनाए गए कानून को राज्य विधानमंडल परिवर्तित कर सकती है या पुनः लागू कर सकती है और फिर ऑप्शन में आपकी कुछ कोड्स दिए हैं वन एंड टू आर करेक्ट टू एंड थ्री आर करेक्ट वन एंड थ्री आर करेक्ट या ओनली वन इज़ करेक्ट क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओनली वन इज़ करेक्ट मतलब संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य रहेगा तो अगेन ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब कि संवैधानिक आपातकाल जिसे आप राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं उससे सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य के लिए कानून केंद्र ने बनाया है जो कि आप जानते ही हैं कि ये एक अधिकार होता है केंद्र का सेंट्रल स्ट्री रुलेशन में हमने पढ़ा है इसके बारे में तो अगर मान लीजिए किसी राज्य के लिए कानून केंद्र ने बनाया है और उस वक्त उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो केंद्र द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उसका क्या होगा राज्य में तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट तो एक दूसरे को अपोजिट ही हैं तो अगर जाहिर सी बात है मैं स्टेटमेंट वन करेक्ट ले रही हूँ तो इसका मतलब वो वैलिड होगा और सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा कि वो इनवैलिड होगा केंद्र द्वारा बनाए गए कानून वहाँ राज्य में वैलिड होंगे मान्य होंगे ठीक है क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है कि वहाँ की पूरी शक्तियाँ केंद्र के हाथों में चली जाती हैं ठीक है सेंट्रलाइज हो जाता है पूरा और थर्ड में ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको चेंज कर सकती है तो वो तो बिल्कुल गलत है राष्ट्रपति शासन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रही पर राष्ट्रपति शासन में आप जानते हैं कि राज्य की सरकार का या तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है मतलब अस्तित्व या तो आता ही नहीं या समाप्त हो जाता है भंग कर दी राज्य की सरकार और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया या तो ऐसा होता है या जैसे अभी आपने महाराष्ट्र में देखा था कि सरकार बन ही नहीं पा रही थी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया ऐसा होता है मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस वक्त उस राज्य में सरकार जो राज्य सरकार होता है उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता होता ही नहीं है इसलिए जो उसका स्टेटमेंट रही है वो तो आउटराइटली गलत है सेकेंड फर्स्ट को अपोज करता है इसलिए गलत है तो ऐसा है कि भाई राष्ट्रपति शासन जब लगा रहता है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून राज्य में इंप्लीमेंट हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि नहीं रहती है उसमें इसलिए वो उसे अमेंड नहीं कर सकती ठीक है तो देफो ओनली स्टेटमेंट वन रिलेटेड टू आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स यानी कि प्रेसिडेंट रूल इज करेक्ट ठीक नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेवन आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा uh, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संयुक्त भर्ती द्वारा राज्यों की सहायता करता है आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और आखिरी में कुछ कोड दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कोड सही है कौन सा नहीं है तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो है आपका अगेन पार्ट फोर्टीन से है केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित क्वेश्चन है और इसके बारे

करता है मतलब जो जॉइंट पी होता है उसके जो अध्यक्ष है उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है देखो सेंट्रल का जो यू उसके सदस्य प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं स्टेट का जो पी है उसके जो सदस्य हैं वो गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और जो ज्वाइंट पी होता है दो राज्यों का कंबाइंड जो एग्जाम करवाने के लिए बनाया जाता है उसके जो अध्यक्ष है उसे राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है तो इस हिसाब से इसका स्टेटमेंट नंबर वन भी सही है स्टेटमेंट नंबर टू भी सही है तीसरा है आपका द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट देखो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसको गौर करिएगा अभी हमने पढ़ा कि स्टेट पी के जो भी मेंबर्स और अध्यक्ष होते हैं उन्हें गवर्नर अपॉइंट करता है और इसमें दिया है कि उन्हें रिमूव करने का अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट के पास है तो ये स्टेटमेंट भी सही है कई लोगों को ये गलत लग रहा होगा पर ये सही है और याद रखना इस स्टेटमेंट से अलग से क्वेश्चन भी आता है ये एक अपवाद के तौर पर याद रख लें कि राज्य के सभी जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ होती हैं संवैधानिक नियुक्तियाँ उसे गवर्नर करता है और क्योंकि उन्हें नियुक्त गवर्नर करता है इसलिए उन्हें पद से हटाने का भी जो पावर है वो गवर्नर के पास होता है मैक्सिमम टाइम्स लेकिन इसमें स्टेट पी के सदस्यों से रिलेटेड ये चीज़ है कि इनकी नियुक्ति गवर्नर करता है लेकिन इन्हें पद से हटाने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होता है है राज्य के गवर्नर के पास नहीं ठीक तो इस से जो है ना ये भी क्रियान्वयन तथा करता है, बिल्कुल अगर है मान लीजिए तो उसकी जो भी प्लान्स एंड प्रोसीजर्स होंगे उसमें यूपीएससी उसकी हेल्प करेगा तो इस तरह से ये चारों ही स्टेटमेंट सही है इस वजह से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट इज क्लियर सो इसका आंसर होगा सभी स्टेटमेंट यू स्टेट पी और ज्वाइंट पी से करेक्ट हैं ठीक नाउ लेट इज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर एट सो क्वेश्चन नंबर एट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलेटेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ये 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम से सवाल पूछा है अगेन स्टेटमेंट एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ठीक और इसमें स्टेटमेंट्स रीड कर देती हूँ मैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालय अपने सारे रिकॉर्ड इस प्रकार सुरक्षित रखें कि मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किए जाएं ठीक उसके अलावा लिखा है प्रत्येक कार्यालय तीस दिन के भीतर सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे परंतु व्यक्ति प्राण व परंतु व्यक्ति प्राण व स्वतंत्रता से संबंधित स्थितियों में 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य होगा यदि कोई सरकार कार्यालय सूचना देने से मना करती है तो केंद्रीय सूचना आयोग उसे अधिकतर दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन दर से जुर्माना लगा सकता है अगेन ये स्टेटमेंट एनालिसिस क्वेश्चन की अप्रोच मैं रिवर्स रखती हूँ पहले हम स्टेटमेंट्स देखते हैं फिर इसका ऑप्शंस देखेंगे ये क्वेश्चन सीधा सीधा राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट नंबर ट्वेंटी टू टू थाउजेंड फाइव से दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम अलग से आपके सिलेबस में भी मैंशनड है वो बैड में भी आप इसे पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत इसे आपको संविधान में भी पढ़ना होगा क्योंकि इससे रिलेटेड आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन भी इसमें पढ़ते हैं तो दो में आए इस अधिनियम में भारत में जितने भी सरकारी तबके हैं उनमें ज़रूरी सूचनाओं को पब्लिक करने पर बल दिया गया है और यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की सूचना सरकार की तरफ से चाहिए तो वह व्यक्ति सूचना मांग सकता है और ऐसा ना करने पर यदि उसे सूचना अवेलेबल नहीं करवाई जाती है तो उस सरकारी तबके को अफसरों को या उस ऑफिस को फ़ाइन देना होता है एक्चुअली इसके लिए ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई गई कि अगर आपको सही टाइम पर सूचनाएं नहीं प्रोवाइड की गई सरकार की तरफ से सरकारी हमलों की तरफ से या ऑफिसर्स की तरफ से तो आप सी आई सी एस आई सी में कंप्लेन कर सकते हैं पहली तो पी आई ओ ने जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा उसके कंप्लेंट जाएगी फिर फाइनली जो है इंफॉर्मेशन कमीशन या सूचना आयोग की तरफ आप कंप्लेन कर सकते हैं ठीक तो उसी से रिलेटेड उस एक्ट या अधिनियम से ही रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसको आपको बताना है कि इसमें से कौन जो स्टेटमेंट्स हैं वो वो आपके इनकरेक्ट हैं ठीक है फॉल्स हैं तो देखिए स्टेटमेंट वन बोलता है कि सभी जो सरकारी कार्यालय उन्हें अपने पास रिकॉर्ड सुरक्षित करने होंगे ताकि मांगे जाने पर वो रिकॉर्ड अवेलेबल करवा पाएँ तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये ठीक है कि आरटीआई कहता ही है कि जितने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 को सरपास करते हुए एक्ट लाया गया ना उन्नीस सौ तेईस के इस एक्ट के ऊपर ये एक्ट लाया गया है उनको सरपास करते हुए जिनको भी पब्लिक करने की परमिशन है ऐसे सारे दस्तावेज़ ऐसे सारे डॉक्यूमेंट और सूचनाएं जिन्हें पब्लिक किया जा सकता है ऐसी सूचनाओं की सूची या रिकॉर्ड तैयार रखें ताकि कभी अगर मांगा जाए तो वो अवेलेबल करवा पाएँ साथ ही साथ रेगुलर टाइमिंग में हर हर कार्यालय जो सूचना पब्लिश हो सकती है उन सूचनाओं को रेगुलर बेसिस पर पब्लिश कर भी रहे इस वजह से इसका जो statement one है वो करेक्ट है incorrect, नहीं correct है है दिया हुआ है कि प्रत्येक कार्यालय तीस दिन के भीतर सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे परंतु व्यक्ति के प्राण व स्वतंत्रता से संबंधित स्थितियों में अड़तालीस घंटे में सूचना देना अनिवार्य है बिल्कुल सही अगर आप मान लीजिए सूचना मांगते हैं अगर आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उन्हें आपको सूचना इन थर्टी डेज़ देना होगा और यह है कि 2005 में जब से जुलाई 15 जुलाई 2005 सी एक्ट आया उसके हंड्रेड डेज़ के अंदर अंदर ये जो ज़रूरी ऑफिसर्स हैं उनको अधिकार दे दिया गया था कि आप कंप्लेंट्स को सुन सकते हैं ठीक है और जब भी आप सूचना मांगते हैं तो तीस दिन के अंदर उस कार्यालय को या तो सूचना देना होगा या सूचना ना दे पाने की वजह देनी होगी और अगर मान लीजिए आपकी जो सूचना जो आपने मांगी है वो आपकी लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है तो इन केस में अड़तालीस घंटे के अंदर अंदर सूचना देना अनिवार्य होता है इस वजह से जो से, आपका पॉइंट टू है वो बिल्कुल सही है थर्टी डेज भी सही है और इमरजेंसी केस में 48 एट आवर्स के अंदर सूचना देना ज़रूरी है ये भी सही है ठीक है तो इस वजह से स्टेटमेंट नंबर वन भी सही स्टेटमेंट नंबर टू भी सही स्टेटमेंट नंबर थ्री बोलता है कि ढाई सौ प्रतिदिन का जुर्माना लिया जाएगा बिल्कुल सही जो पी होता है अगर मान लीजिए तयशुदा टाइम लिमिट के अंदर बिना किसी रीज़न के सूचना आपको उपलब्ध नहीं करवा सकी ठीक है मतलब ये कि तीस दिन के अंदर या इमरजेंसी केस में अड़तालीस घंटे के अंदर बिना कोई सूचना या कोई एक्सप्लेनेशन uh, के आपको सू, uh, सूचना नहीं दी जा सकी है तो जो पी आई होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उसके ऊपर मतलब वो जो है वो जुर्माना मतलब जुर्माने का प्रावधान है कि ढाई सौ रुपये प्रतिदिन जुर्माना दिया जाएगा और इसकी लिमिट पर डे ढाई सौ ढाई सौ करके मतलब उससे जुर्माना वसूला जाएगा और मैक्सिमम पच्चीस हज़ार रुपये तक के जुर्माना लिया जाएगा तो इस तरह से पर डे टू फिफ्टी रुपीज़ की फ़ाइन लगेगी और मैक्सिमम ये जो फ़ाइन है पच्चीस हज़ार रुपये तक के की तय की गई है पी को ये फ़ाइन पटानी पड़ती पब्लिक अथॉरिटी नहीं पर पी आई ओ ये फ़ाइन को पटाएगा तो इस हिसाब से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है ठीक तो है तो स्टेटमेंट नंबर वन भी राइट है स्टेटमेंट नंबर टू भी राइट है आपका और स्टेटमेंट नंबर थ्री भी राइट है तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं ठीक न लेट इज़ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइन सो आपका अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा इक्वेशन है आपका भारत के राज्य सचिव का पद किस अधिनियम की विशेषता है द पोस्ट ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज़ द फीचर ऑफ विच एक्ट ठीक है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो किस फीचर किस एक्ट का फीचर है 1853, 1858, 1861, 1784 या 1833? क्या होगा इसका आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिए अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लिया गया है और इस क्वेश्चन में पूछा ये है कि भारत सचिव का जो पद अस्तित्व में आया वो इनमें से किस अधिनियम से आया है हम सभी जानते हैं कि संतावन की क्रांति के बाद जो अट्ठारह का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें जो पूरा पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन करने की जो पूरी शक्तियाँ हैं वो कंपनी के हाथों से फिसल करके क्राउन के हाथों में चली गई थी और इस वजह से जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल डायरेक्टली था वो अब ऐसा हो गया कि उसे भंग करके क्राउन डायरेक्टली यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दी तो उस वजह से उन्होंने दो प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता था उसका पद का नाम बदलकर वाईसी रॉय कर दिया एक पंद्रह सदस्यीय भारत परिषद का गठन उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया और उसके प्रमुख का नाम रखा भारत सचिव वो लोग वहाँ पर कानून बनाने थे बनाते थे पार्लियामेंटेरियंस थे ये लोग फिफ्टीन लोग जिसका हेड था भारत सचिव कानून बनाते थे और उस बनाए गए कानून को इंडिया में जो वाईसी है वो एग्जीक्यूट करता था तो ये जो व्यवस्था आई जिससे भारत सचिव पद अस्तित्व में आया और वाइसु का जो पद है नाम है वो अस्तित्व में आया ये अठारह के एक्ट से आया इस वजह से इसका आंसर होगा अठारह का अधिनियम ठीक ईजी क्वेश्चन था नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टेन सो आपका क्वेश्चन नंबर टेन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य उनके विभागों को सुमेलित कीजिए आपको मैच द तो फॉलोइंग पूछा है और फर्स्ट कैबिनेट जो 1947 में बनी थी उनमें किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला था उसको मैच करना है जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम जॉम मथाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके सामने उनके विभाग दिए गए हैं क्या होगा इसका आंसर बताएं जल्दी से कूट दिए गए हैं मैच करने के लिए यस yes, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए का टू बी का वन सी का थ्री डी का फाइव और ई e का फोर मतलब ए है आपका खाद एवं कृषि ठीक है मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी है आपका राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले जो कॉमनवेल्थ नेशन हैं उनसे रिलेटेड होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू सी है आपका श्रम लेबर कौन थे मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम फिर है आपका उद्योग एवं आपूर्ति मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन होगा इसका आंसर फिफ्थ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फिर है रेलवे परिवहन मतलब कि रेलवे ट्रांसपोर्ट क्या होगा इसका फोर्थ डॉक्टर जॉन मिथाई तो वी ऑल नो कि 1947 में जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उसमें 14 मिनिस्ट्री का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था जिसके जो मेन मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके अलावा तेरह और मंत्री थे तो उनके मंत्री और उनके विभागों से ये सवाल आया है आप जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में उसके मंत्रिमंडल को भी जो 12 सदस्य मंत्रिमंडल है उसे भी याद रखिए और उन्नीस में जो आपका फर्स्ट कैबिनेट बनी थी उसे भी याद रखिए मतलब दोनों में जो जो मंत्री और उनके पास क्या क्या, क्या विभाग थे अंतरिम सरकार में और पहले मंत्रिमंडल में दोनों से सवाल आते हैं और उसी पर से ये क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा ठीक बी होगा इसका आंसर लेट इज ऑन टू द क्वेश्चन नंबर इलेवन सो द क्वेश्चन नंबर इलेवन रीड्स एस सूची एक व सूची दो का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए और अगेन ये क्वेश्चन देखिए आपका एक्ट है एक्ट्स हमने कम क्वेश्चन लिए इसी वजह से मैंने इस सेशन में दो क्वेश्चन एक्ट्स यानी ब्रिटिश काल में आए संवैधानिक विकासों से रिलेटेड अधिनियमों से मैंने लिए हैं और यहाँ पे तीन चार अधिनियम कवर हो रहे हैं मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया चार आपके प्रावधान दिए गए और पूछा है मैच करिए कि कौन से एक्ट से ये प्रावधान या ये पद अस्तित्व में या अवधारणा अस्तित्व में आई थी तो सामने के ऑप्शंस में रीड नहीं करती हम सीधा देखते हैं उन अधिनियमों में आपसे क्वेश्चन है कंट्रोल बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसकी स्थापना सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में विभाजित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ठीक है ताकि व्यापारिक और प्रशासनिक मामलों की अलग अलग देख रेख हो सके दोनों को अलग तरीके से कंट्रोल किया जा सके तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग किया गया था तो इस वजह से जो आपका फर्स्ट है उसका ऑप्शन सी जो मतलब लिस्ट टू में जो थर्ड है आपका वो आएगा सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज पॉलिटी एफ टी आर राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को निम्नलिखित में से कहाँ जमा करेगा जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो सिक्योरिटी अमाउंट वो कहाँ जमा करता है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आपके इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आर और कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक है निर्वाचन आयोग में करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कि आर में या भारत की संचित निधि में क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर बी आई यस ठीक है आप लोगों को लग रहा होगा इलेक्शन कमीशन है या कंसोलिडेट फंड है ऐसा नहीं है हु सो एवर विशेज टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहा है ऐसे कैंडिडेट को अभी आप जानते हैं कि पंद्रह हज़ार रुपये जो है वो जमानत राशि है वो जमा करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर उसकी अमाउंट को डिपॉजिट कर देता है या वो इंसान डायरेक्टली भी आर बी आई के पास उस अमाउंट को जमा कर सकता है तो याद रखिएगा ये जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा होता है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है